रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी जेजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले जो शहीद हुए हैं रघुवीर सिंह, उसको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूं और दुख प्रकट करता हूं इस सरकार के प्रति कि अभी तक दाग नहीं होया है। रघुवीर सिंह का दाग नहीं होया है, इसकी दाग न होने की कोई जुम्मेवार है तो इस प्रदेश की सरकार जुम्मेवार है, खट्टर साहब जुम्मेवार है, दुष्यंत चौटाला जुम्मेवार है और ये तानाशाही अंग्रेजों रूपी या पुलिस प्रशासन जुम्मेवार। आज सारा प्रदेश के अंदर जो पुलिस है, पुलिस उसने तबाही मचा रखी है। पुलिस अपने मन मर्जी के काम करती है, अपनी मर्जी से अपने अधिकारियों को, अपनों को बचा लेती है और आम लोगों को फंसाने का काम करती है। रघुवीर सिंह ने सुसाइड नोट लिख दिया, नोट में नाम लिख दिए परंतु FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई दोनों के दोनों बड़े अफसर हैं, बड़े अफसर है और ये बड़े अफसर जो हैं ये अंग्रेज है, अंग्रेज अंग्रेजा में कोई आया करता है साइलेंट, कोई और उसी प्रकार के इनके नाम हैं। ये वो ही अंग्रेज हैं जिनको हमारे शहीदों ने रगड़े थे यहाँ, ये दोबारा जन्म लेके आज दोबारा इन कुर्सियों पर आगे बैठ गए हैं। मैंने अधिकारियों को एक बात की चेतावनी देना चाहूं कि दो कानून मत बनाओ इस देश के अंदर, एक नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए और दूसरे आम आदमी के। आम आदमी का कसूर न हो तो भी मुकदमा, तो भी जेल, और इनका कसूर हो तो भी कोई FIR नहीं, कोई चर्चा ही नहीं करते। अरे शर्म की बात है, एक आदमी जिसने 37 साल तक ईमानदारी में गोल्ड मेडल जीते, हर साल मेडल लिया ईमानदारी के नाम का, और उस आदमी को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। सुसाइड नहीं है या हत्या है, हत्या। और इसका 100% जुम्मेवार जिनके नाम लिख रखे हैं वो हैं, और आज ये FIR न करके भाई साहब इसके जुम्मेवार खट्टर भी है और दुष्यंत चौटाला भी है। एक बात मैं आपने बताऊं, कोई भी छोटी घटना हो जाए CM को तुरंत पता चल गया है, तुरंत। अरे यह तो बहुत बड़ी मामला है, रोड तक जाम हो गया उनकी नॉलेज में है, परंतु वो नुचाव है तारे अधिकारियों पे कोई काम ना हो। एक बात के तो पुख्ता सबूत है मेरे पास है कि दुष्यंत चौटाला तो अंत दब रहा है अधिकारियां, चाहे SP हो चाहे DC हो, दब रहा है भाई साहब, है गुलाम हो रहा है इनका। और मन लग गया खट्टर साहब की भी कोई ना कोई दुख तीरा करने दाब राखी है, इसलिए वो भी दब रहा है। अरे पुंजड़ के CM है के फिर जो कांड कर रहे हैं और अधिकारी उनने दाब रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अरे सामने है जो अधिकारी ईमानदार है उनकी चालन कौन दे, और जो बेईमान अधिकारी है वो मर्जी से काम करने लाग रहे हैं। खट्टर साहब ने दिखे को नहीं के, दुष्यंत चौटाला ने दिखे को नहीं के, ईमानदारी की बात है भाई साहब। है चोर है ये, चोर नेता, और नेता चोर तो दबाएंगे। इसीलिए आज इस प्रदेश के अंदर अगर कोई राज करने लाग रहे है तो SP राज करे है, को राज करे है तो कोई DC राज करने लग रहा है, बाकी किसी का राज नहीं है। ये विधायक और मंत्री हंडन का कोई सौदा को नहीं देखा, नहीं तमने देखा नहीं के तारा विधायक का क्या सौदा है, बताओ क्या सौदा है, तारा मंत्री का क्या सौदा है। अरे सारे के सारे चोर हैं ये इनकी नस दाब रखी है इन IPS ने और IAS ने। मैं साफ कहूं एक बात, अगर यो मामला नहीं है तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होने लग रहा,
क्योंकि वे अधिकारी है अधिकारी, अरण का कोई सौदा को नहीं। मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को, मंत्रियों को कहते रहन दो जी, अगर मुकदमा दर्ज करोगे तो हम विद्रोह करांगे। इतने कहना है सौदा चुप है। और सेती नू कहते हैं जी वाह पड़ी लाल फाइले, उसका क्या करना है जी। इतने कहना है तो हमारे दुष्यंत भाई के तो दस्त लाग जाए भ्रष्ट है। इसलिए आज न्याय नहीं मिलने लग रहा आम आदमी को। नहीं तो ये तो धरना देने के लिए, धरना ही नहीं देना चाहिए इस काम के लिए तो। अरे मरने वाले ने सुसाइड नोट लिख दिया, कमी क्या रहेगी बताओ, क्या कमी रहेगी। लेकिन अन्याय, घोर अन्याय, मैं तो कहूं आज हरियाणा प्रदेश ने किसी भाई को न्याय नहीं दिवाना। हाँ किसी गरीब आदमी का नाम आ जाता, ओहो ठोक दो ठाकी, आम आदमी का नाम आ जाता, दे दो भीतर दे रुपये, पांचा के नाम आ जाते दो भीतर देगी तीना के रुपये ले जाते। लेकिन जब इनके नाम आवे हैं तो फिर ये देखो किस प्रकार के कांड करे है। हाँसी के अंदर हाँसी में सरेआम पकड़ा दिए, चोरी करते ये लूट की खागे, मूर्ति ने बेच की खागे, 28 करोड़ की मूर्ति बेच के खागे। जब सरेआम पकड़ लिए फिर भी हाँसी के एसपी ने कहा ना ना ना, ये तो टटलू गैंग थी, मारले शरीफ है। अरे टटलू गैंग तो तार ली है, सेती शामिल सरगना तू है इनकी, सारी दुनिया के सामने है, सारी दुनिया के सामने आ गई। बोले बिस्कुट बना दिए मूर्ति के गड़ा की। अरे ईमानदारी की बात तो यह है कि मूर्ति बेच के खा गए, बिस्कुट क्या और के हैं। तो भाई साहब है उसमें भी यो खेल है। इसी प्रकार आम आदमी को न्याय नहीं मिलता। वो गरीब मजदूर तो भीतर दे दिया, जिसका कोई कसूर कौन था, उसके खेत में मूर्ति लिखड़ी थी। और जो थानेदार है जन ने बिस्कुट बनवा लिए, जो 14-14 लाख रुपये मांगे थे उस जबरदस्त कहना ले भी लियो के बेरा। अरे भाई वे हंड है मोस्त है, कोई दिक्कत नहीं। 14 लाख रुपये थानेदार अकेला तो कौन ले भाई। अरे 100 के 100 लोगों से पूछिए हमने कि एसपी शामिल है कि नहीं है। बोले भाई साहब 5-4 हजार की रोल कर ले इनके डिपार्टमेंट वाले बतावे। बोले 5-4 हजार की रोल कर ले ये, बाकी 10-20 हजार तो ऊपर आंदा एसपी ने पक्का बतावा जितना माल आया है। के करा बैग भर के आधा उड़े भेज दो। और वो भी एकला को रखे वो नेता ने बतावे, हाँ जी तड़के को मुसीबत आओ तो सुलट लियो, इतना आया कितना भेजना है, इतना भेजना है। जो खेल चलन लग रहा है इस प्रदेश के अंदर, मैं तो साफ कहूं साफ बिल्कुल ना, हम इनसे डरते। मुकदमे दर्ज करे कर लेंगे, जेल में डालेंगे डाल देंगे। लेकिन एक बात हमेशा कहते रहेंगे कि ये लोग भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। हरियाणा के अंदर कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है, नहीं तो आज रघुवीर सिंह को सुसाइड करनी नहीं पड़ती भाई साहब। सुसाइड आदमी कद करे है जब चुगर्दा फंस गया, ये चुगर्दा फंस गया रघुवीर सिंह, चुगर्दा फंस गया भाई, तब जाके इसने मारने का फैसला लिया। अपनी छाती पर धर के देखो कि जब चुगर्दा फंस गया आदमी, जब इस कदम पर आठा, और वो भी पुलिस का आदमी, अरे नौकरी करी है पुलिस में, मजबूत कौन हो जाके रेलवे पुलिस में नौकरी करने वाला आदमी मजबूत कौन हो जा। और उसके बाद उस पर आरोप लगावा भ्रष्टाचारी के, अरे जिसने हर साल मेडल जीतया ईमानदारी पे, शर्म नहीं आवा के करेगा वो। मरा तो गाय और क्या रिश्ता बच गया उसके पास। मैं तो एक बात कह के जाऊं लास्ट में भाई, गामा में तक कट्ठे हो जाओ और नूना सोचो कमेटी वाले फोन करेंगे, एक दूसरे ने फोन मार मार के बुला लियो के भाई आ जाओ। कल भी मेरे तो रखने बंदा के फोन आए, नूला नूनू मामला हो रहा है, वहां 100% पूछांगे और 100% आवाज उठाएंगे, 100% रघुवीर सिंह को न्याय दिलाने का काम करांगे, चाहे मारा गाट टूट जाओ वैसे। तो मैं तो नू कहूं सिरा की गिनती कराया सरकार, या बहुत बड़ी बेशरम सरकार है और बेशरमन के नेता है। अड़के नेता फोन कर करके नू पूछेंगे सीआईडी कितने आदमी है, कितने आदमी है नू बता दो, इनको शर्म कौन आवे। अरे हमारा आदमी के तो दाग भी कौन है, अभी हमारे समाज में दिन छिपे छिपे कोई आदमी गुजर जा तो हम सोचा रात रात ना रखना पड़े, दाग दे दिया ताकि उसका परिवार, उसके बच्चे उसने भूले कि एक दिन तो कम होया, अगले दिन बच्चा और आगे सोचे भाई साहब। अरे ये तो हमारा समाज की कहानी है, लेकिन फिर भी ये लोग इस बात को कौन समझे।
एक बात कहेंगे कि मारा हाथ में कोनी जी रेलवे आला का मामला है। रेलवे वाले कहोगे जी इन्ना छोटे अफसर बैठे और बड़े तो बीकानेर बैठे, किसी का मामला नहीं है, सरकार का मामला है। सरकार चाहे दो मिनट में FIR करा दे, ये फोन करे खट्टर साहब 10 मिनट में FIR होगी तब तो आ जाएगी। जो यहाँ ये नाटक करने वाले लोग आते हैं वो सिर्फ उनको बचाने खातर आवे हैं। ये मिली हुई गैंग है सारी की सारी, सारे के सारे मिले हुए हैं ये, इनकी बात मत आ जाइयो। और साफ बात है, रघुवीर सिंह ईमानदार था तो आज उसने न्याय दिवाना तारा काम है। यह घटना कल न किसी के साथ भी हो सके है, किसी का बेटा भी जा सके है, किसी का बाप जा सके है। तो मेरी तो युवा साथियां तभी और मेरे चाचे ताऊ बैठे आ रहे उन तभी यह अपील है, छाती में आग लगा लो, छाती में आग लगा लो और इस सरकार ने दिखा दो कि न्याय हमने लेना आवे है, हमने न्याय रघुवीर सिंह के साथ करवाना आवे है। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि इनकी बातों में ना आइयो, यहां बैठे रहोगे तो बैठे बैठे भी अपना काम करके देना पड़ेगा। और सरकार से बाहर कुछ को नहीं होवे, अफसर सारे सरकार के हो, सरकार का इशारा बचाला है, एक फोन कर दो काम हो जाएगा। और भाई साहब ऐलान कर दो, ऐलान कि जितने मंत्री हैं जो आज सत्ता में बैठा है गामा में नहीं बढ़न देंगे, गामा में नहीं बढ़न देंगे, सीधे हो जाएंगे सांसद पहले। कहा बहिष्कार करोगे अनका गाम में पड़ा अनका अगर रेडू लगाओगे गलिया में चत काबू आओगे, काबू नहीं आओगे, नहीं तो काबू नहीं आओगे। बड़ा सोता सस्ता पा रहे हरने तारे बोटा थे मंत्री MLA बन के और अपने ढूंढ भर ले हैं और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जमीन खरीद ले, तो खींच के ले ओ, खींच के जब ये सीधे होंगे। आज पूरी दुनिया धरने पर बैठी है, चाहे को रान लेके रहे कोई बात थोड़ी है, सड़क बनवाने खातर भी धरने पे डूब लिया देश, जब माए नाश हो लिया उनका तलवंडी में जाके देख लिया सारा ही उबरवाड़ा परेशान है। मारे पर के भी आया आधा घंटा फालतू लग गया, तो मेरे समझ में नहीं आई या सरकार किसकी है। सब लोग परेशान है, पूरी जनता परेशान है, तो इसलिए कोई भी इलाज जब करना हो पेट में अगर कोई बीमारी आ जाए और मूसला जड़ जो है वह खट्टर दुष्यंत चौटाला दोनों है भाई साहब का टिक्का लगा दो बढ़िया वाली दुआई का ताकि बीमारी मिट जा। आगे बात समझ में, तो मैं तो एक बार लास्ट में नारा मरवाऊंगा, भाई रुक मेरा अमर रहे, भाई रघुवीर सिंह अमर रहे, ईमानदार भाई रघुवीर सिंह अमर रहे, ईमानदार मारा भाई रघुवीर सिंह अमर रहे। आस्तिशार प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, भ्रष्ट खट्टर सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, सारे मंत्री मुर्दाबाद, सारे विधायक मुर्दाबाद। मुर्दाबाद।